एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सिखा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो नहीं किया है क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ मंगाई नहीं है अभी लॉकडाउन की वजह से। और इस पेंडेमिक में मुझे कुछ भी ऑर्डर करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर मेरे ब्लाउजेस का डिज़ाइन जो पैटर्न होता है उसको दिखाने का डिमांड कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये सही टाइम है इस वीडियो को शेयर करने का क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ज़्यादा मंगवाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसे हालात हो रखे हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो चलो आज ये वीडियो शेयर करती हूँ। टोटल 6 ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत डिफरेंट और एलिगेंट डिज़ाइन है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरा पर्पल कलर का ब्लाउज। तो आजकल ये मैंने इसमें पफ स्लीव बनवाया है। आजकल ये पफ स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सुंदर भी लगता है। और साथ में मैंने देखो दोनों पफ स्लीव है, साथ में मैंने इसका जो फ्रंट है जो नेक है उस पर ये कॉलर, ये थोड़ा सा आयरन करना पड़ेगा, ये मैंने पहना है ना उसके बाद ऐसे उठा उठा सा हो गया। तो ये था, देखो पहना हुआ है, काफ़ी क्रस है ये ब्लाउज। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लाउज पैटर्न जो कि बहुत खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। आप फोटोज़ देख रहे होगे साइड में, बहुत प्रिटी लगता है पहनने पे। और जो इसका बैक है वो प्लेन है, गोल गला, और इसमें डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ था। ये मेरे साड़ी का ब्लाउज ही अलग से मैंने लेके नहीं बनवाया है, आपको वीडियो फोटो देख रहे होगे साड़ी का जो डिज़ाइन है उसी तरीके का ब्लाउज दिया गया था। तो मैंने कुछ इस तरीके का कॉलर वाला ट्राई किया और ये पफ स्लीव, दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे हैं, कॉलर और पफ स्लीव्स। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का डिफरेंट सोच रहे हो तो आप इस तरीके का ब्लाउज बनवा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था फर्स्ट मेरा ब्लाउज, मैं ऐसे कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। और इसका सिर्फ ये कॉलर है वो आगे ही दिया हुआ है, पीछे नहीं है इसमें कॉलर, आप देख सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लाउज पीस, ब्लाउज पैटर्न। सेकंड अगेन मैं शेयर करने वाली हूँ सिल्क साड़ी का ही, ये भी ब्लाउज है, ये पूरा बंद किया हुआ नेक है पूरा ऊपर तक, स्लीव्स इसके इतने ही आते हैं। मुझे तो इतने स्लीव्स बनवाने का मन था पर इसमें जो डिज़ाइन था वो इतना आ रहा था तो टेलर ने बोला इतना ही बनेगा। और इसका भी बैक ही खुलता है, पूरा बैक पूरा टोटल कवर है। तो जो इस ब्लाउज की खासियत है वो है इसका ये बेल्ट पैटर्न। तो मैंने इसमें आगे में बेल्ट लगवाया था, बहुत ही सुंदर सा बेल्ट लगा हुआ है इसमें, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है। आप यहाँ फोटो देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसको हम बेल्ट के रूप में यूज करते हैं। तो बहुत ही प्रिटी डिजाइन है, आप इसको भी बनवा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है सिल्क के साड़ी में इस तरीके का डिज़ाइन। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज पैटर्न जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जब भी मैंने इसे शेयर किया है पिक। तो थर्ड जो ब्लाउज है उसका मैंने स्लीव्स थोड़ा, आजकल मैं स्लीव्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो ये प्लेन ही ब्लाउज है, आप देख सकते हो गला भी इसका आगे और पीछे से ही ओपन होता है, बिल्कुल प्लेन है। इसमें मैंने सिर्फ ये डिज़ाइन बनवाया है, ये वाला स्लीव्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और बहुत अच्छा भी लगता है, आप देख सकते हो बगल में पिक कितना क्यूट सा लग रहा है ये पहनने के बाद। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो रहा था इसलिए ये थोड़ा ऐसे उठ जा रहा था, ओवरऑल बहुत प्यारा सा लग रहा था ये। तो आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी है तो आप इस तरीके का ब्लाउज जिसके स्लीव्स पे इस तरीके का आपको आता है तो आप इस तरीके का ब्लाउज बनवा सकते हो, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये पहनने के बाद। तो ये था मेरा थर्ड ब्लाउज पीस जो कि मैंने बहुत ही प्यार से बनवाया था। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्लाउज डिजाइन जो कि अगेन कॉलर का ब्लाउज डिजाइन है। तो ये मैंने डिफरेंट कॉलर ट्राई किया था इसके साथ कुछ इस तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे ये वाला ब्लाउज और फर्स्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो थोड़ा आपको सेम लग रहा होगा क्योंकि साड़ी दोनों सेम है, सिर्फ कलर चेंज है। ये
तो इस तरीके का भी आप कॉलर ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। और ये फ्रंट से ही ओपन होता है, आप देख सकते हो फ्रंट में इसका हुक बना हुआ है, बैक इसका पूरा बंद है। और ये जो कॉलर है वो पूरा कॉलर है इस तरीके से, तो ये भी बहुत सुंदर लगेगा अगर आप कुछ इस तरीके का ट्राई करोगे तो। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है मेरा एक बनारसी साड़ी। वैसे मैं सिल्क और बनारसी साड़ी का जो ब्लाउज होता है उसको थोड़ा डिफरेंट और मतलब एलिगेंट लुक देना चाहती हूँ। नॉर्मली जो ब्लाउज होता है उसके साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन जो बनारसी और सिल्क साड़ियाँ होती है उसके ब्लाउज के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत सिंपल सोवर सा डिज़ाइन डलवाती हूँ। तो ये मेरा बनारसी साड़ी का ब्लाउज है, इसका भी स्लीव्स यहीं तक आपको मिलेंगे क्योंकि इसका भी कपड़ा इतना ही था और नॉर्मल स्लीव्स हैं। आगे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पाइपिंग डलवाई थी क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है, नीचे भी आपको पाइपिंग मिलेगा और इसका बैक बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद, इस तरीके से गोल इसका बैक बना हुआ है और बैक से ही ओपन भी होता है ये। तो नेक्स्ट मैं शेयर करूंगी अपना लास्ट ब्लाउज पीस जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। वो कुछ इस तरीके का पैटर्न वाला ब्लाउज है। आजकल ये लेस काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, तो स्लीव्स पे मैंने ये वाले लेस डलवाए थे और नीचे भी मैंने ये वाला लेस डलवाया था, आप देख सकते हो। और नेक मैंने इसका बोट नेक रखा है, बोट नेक डिज़ाइन भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। बैक इसका थोड़ा डीप मिलेगा आपको और पीछे से ओपन होता है कुछ इस तरीके। और इसका कलर ऐसा है ना, कलर और डिज़ाइन की किसी भी मेरे साड़ी के साथ चला जाता है, तो मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ। तो ये था मेरा ब्लाउज डिज़ाइन कलेक्शन पार्ट वन। आगे आपको बहुत सारे और अच्छे अच्छे डिफरेंट ब्लाउज पैटर्न देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, डेट्स वाई आज मैंने इतना ही रखा। जल्दी अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हो और डिमांड करते हो तो मैं पार्ट टू आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो बस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर करो, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इस चैनल पे बहुत सारी यूजफुल जानकारी मिल जाती है। अभी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यू को मैंने पेंडिंग में डाला हुआ है और जो मैंने सोचा था वो सारे वीडियो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा साथ देना, और क्या कहूँ, घर में रहना, सेफ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। अभी ये मुश्किल घड़ी भी टल जाएगी और आएंगे फिर से वापस हम उसी धमाके के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय एंड टेक केयर।